सब्सक्राइब माई चैनल मिन्ना एंड यूट्यूब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सोनी ESPN और डी स्पोर्ट कुछ रिसीवरों पे वर्क होना शुरू हो चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसकी टीपी के बारे में और किस तरह से आप इसको देख सकते हैं अपने रिसीवर पे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, सोनी ESPN और डी स्पोर्ट फिर से वर्क करना शुरू हो चुका है। कुछ रिसीवरों पे अभी ये वर्क कर रहा है। आपका कौन सा रिसीवर है, आप ये टीपी लगाकर चेक कर सकते हैं कि आपके रिसीवर पे ये वर्क कर रहा है या नहीं। आप ये सोनी ESPN की टीपी नोट कर लें, 12051H 45012। आप ये टीपी लगाकर फिर से देख सकते हैं सोनी ESPN। ये आप डी स्पोर्ट की टीपी नोट कर लें, 12688H 32000। आपने डी स्पोर्ट की टीपी लगानी है, फिर से डी स्पोर्ट देख सकते हैं। ऑल रिसीवर पे ये वर्क कर रहा है डी स्पोर्ट। इस टीपी पर सोनी ESPN और डी स्पोर्ट बिल्कुल ओके वर्किंग है। आपने ये टीपी लगाकर आसानी से सोनी ESPN और डी स्पोर्ट फिर से देख सकते हैं अपने रिसीवर पर। अगर आपकी सी लाइन पर नहीं चल रहा है डी स्पोर्ट या सोनी ESPN, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा सी लाइन वाले का, आपने उसके साथ रब्ता कर सी लाइन ले लेनी है। और उस सी लाइन पर बिल्कुल ओके काम कर रहा है सोनी ESPN और डी स्पोर्ट। कुछ ही रिसीवरों पे अभी मैंने 3 रिसीवरों पे चेक किया तो सोनी ESPN और डी स्पोर्ट फुल ओके वर्किंग उस पर काम कर रहा है। अब आप चेक कर सकते हैं ये टीपी लगा कर के आपने आपके रिसीवर पे ये काम कर रहा है या नहीं। आज की मेरी यही एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को भी दबा दें। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ओके, गुड बाय।